हेलो, ऑल आर एक्साइटेड? यस, आप सबका ये सुपर डुपर एक्साइटेड लीडरों की ये अहमदाबाद ब्रीट ओपन में मैं जयेश पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका स्वागत करता हूँ। और मेरे साथ, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयश्री है। मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही ओके दोस्तों, वंस अगेन आप सबके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करते हैं यहाँ पे। और आज की ये बिजनेस मीटिंग है, और बिजनेस मीटिंग की वजह से मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन और एडवांस में देना चाहूँगा कि ये बिजनेस मीटिंग में आप वीडियो ऑन रख के बैठिएगा और अपना ऑडियो जो माइक है वो म्यूट रखिएगा। बिटवीन द मीटिंग, ये बिजनेस मीटिंग है तो आप बीच में मीटिंग में कुछ स्नैक्स या नाश्ता ये सब मत कीजिए, और आपके बैकग्राउंड से कोई भी नॉइज या कोई भी आवाज नहीं आए उसका ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से किसी और को या दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो, राइट? और ये थ्रू आउट मीटिंग में आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिलने वाला है। ये बिजनेस मीटिंग है, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है आज का दिन, और आपका नाम प्रॉपर रखिएगा, राइट? तो आज की जो ये मीटिंग लेने वाले हैं वो स्पीकर के बारे में हम बताएंगे। वो डॉक्टर साहब है, खुद फिजियोथेरापिस्ट है, और वो 22 साल से डॉक्टरी में उनका एक्सपीरियंस है। मुंबई और नई मुंबई में उनके बहुत सारे मल्टीपल क्लिनिक है, और उन सभी क्लिनिक को रन करते हुए पैशनेटली ये बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे वो रन कर रहे हैं, राइट? तो और उनका नाम है डॉक्टर रामचंद्र यादव, और उनकी वाइफ के बारे में मेरी वाइफ जयश्री बताएगी। यस हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैडम के बारे में बताऊंगी कि उनका नाम है बिंदु यादव। वो होममेकर है। वो अपने होममेकर के साथ साथ मीन्स के अपने घर को संभालते संभालते उन्होंने बिजनेस बनाया है। अपने फैमिली को अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का शेड्यूल भी अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। और वो बहुत ड्रीमर है और अपने उनके ड्रीम के साथ साथ ये बिजनेस बहुत पैशनेटली कर रहे हैं। तो आज हम उनको सुनेंगे। यस तो दोस्तों, आज का दिन बहुत कीमती है हम सबके लिए। और आज कोइंसिडेंस है, दोनों डॉक्टर है। एक स्टूडेंट का डॉक्टर है, मैं मैथमेटिक्स में पीएचडी हूँ, और एक लोगों की हेल्थ के डॉक्टर है, राइट? ओके, तो आप सबकी जबरदस्त हेल्प के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ, हम उनको हमारे अहमदाबाद के ब्रीट ओपन में एक गुलाब देके, वर्चुअल गुलाब से उनका स्वागत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा ये वर्चुअल गुलाब एक्सेप्ट कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, देन नाउ ओवर टू, हेल्प मी वेलकम डॉक्टर रामचंद्र एंड बिंदु यादव, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने आज के होस्ट जो है हमारे जयेश एंड जयश्री जी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रामचंद्र यादव है। बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं, और मेरी पत्नी बिंदु, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बिंदु है। मैं हाउस वाइफ। हाँ, अपने फ्रेंड, हम पूरे परिवार के साथ मिलके बहुत ही पैशनेटली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। अपने बारे में बताऊं तो दोस्तों, मैं लास्ट 22 ईयर से फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा हूं। हमारी मुंबई में और नवी मुंबई में क्लिनिक्स हैं, और हमारे साथ फिजियोथेरेपी की भी एक अच्छी टीम है। तो अपने इस प्रैक्टिस के साथ साथ हम ये बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे हम ये बिजनेस में आए और कैसे हम इस बिजनेस में टिके रहे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस मेरी लाइफ में तीसरी बार आया था, और पहली बार मेरे एक फ्रेंड ने बिजनेस बताया था जिनको मैंने सीधा सीधा ना बोला था। दूसरी बार हमारे एक रिश्तेदार ने हमें बिजनेस प्लान दिखाने के लिए इनवाइट किया था। हमने प्लान भी देखा, और रिश्तेदार थे ये बोल के कि वो नाराज ना हो जाए, हमने पैसे भी रखे थे लेकिन वो फॉलो अप करने नहीं आए। मैसेज ये है कि अगर आप, जिन्होंने भी आपको बुलाया है और जो लोग हैं वो जरूर फॉलो अप करिएगा। एंड थर्ड टाइम में
जब मैं ये बिजनेस में प्रैक्टिस में आया तो मैं, हमारे एक सर थे ऑर्थोपेडिक सर्जन, गोल्ड मेडलिस्ट थे, प्रेसिडेंट अवॉर्डेड थे, डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, ऐरोली नवी मुंबई में बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस थी उनकी। कई कई पेशेंट्स रहते थे उनके, मीन्स 80-90-100 रोज की ओपीडी होती थी, दो दो तीन तीन ऑपरेशन, बहुत ही बिजी प्रैक्टिस थी उनकी। उन्हीं के साथ में फिजियोथेरेपी मैंने शुरू की थी, और जब उन्होंने मुझे थर्ड टाइम में ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताई तो मुझे ऐसे लगा कि ये बार बार मेरी लाइफ में क्यों आ रहा है। और फिर मैं सर का बहुत रेस्पेक्ट करता था, बहुत ही दिल से उनको चाहता था, और सर को मैंने जस्ट एक ही क्वेश्चन किया था कि सर आप ये बिजनेस क्यों करते हैं। उन्होंने बताया था हम प्रोफेशनल हैं, हम लोगों की लाइफ में कुछ अनसिक्योर्ड लाइफ होती है, मैं सर्जन हूँ, मेरा हाथ चलता है तो पैसे बनते हैं, कल को कुछ हो गया, कोई डिसेबिलिटी हो गई या हाथ काम करना बंद हो गया तो फिर इनकम जीरो हो जाएगी, तो हम फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए बिजनेस करते हैं। मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि मुझे भी ये बिजनेस करना है, बिकॉज हमारे सारे बिजनेस कर रहे थे। फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया और अपने आप को हमने क्वालिफाई किया। फ्रेंड्स, क्वालिफाई करने का मतलब है कि ये बिजनेस में हमें खुद का अपना डिसीजन खुद का लेना है कि हमें बिजनेस क्यों करेंगे। और उसके बाद हम इंट्रोड्यूस हुए हमारे ग्रेट लीडर्स, अभी मैं जिनका भी नाम लूंगा, भगवान का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि हमारी लाइफ में लोग आए। हम मिले अरुण एंड पुष्पा मिश्रा जी से, फिर अरुण एंड पुष्पा मिश्रा जी के थ्रू हम मिले डॉक्टर एनपी सिंह एंड विनीता जी से, फिर डॉक्टर गिरीश सिंह सविता जी से, भगवान के जैसे डॉक्टर राम एंड उषा मैडम, शंकर सर एंड संगीता मैडम, एंड अप टू कुमार एंड अंजलि, इन सभी लोगों के साथ एसोसिएट हुए। और इन लोगों का लव, अनकंडीशनल लव, और इन्होंने बच्चों जैसा हमें टीच किया, इस बिजनेस में टिका के रखा और हमें पग पग पे हमेशा हेल्प करते रहे, इसीलिए हम इस बिजनेस में टिके भी रहे और आज बहुत ही सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में, और इस तरह से हमें बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुए। तो ये मैंने ब्रीफ में बताया है कैसे हम इस बिजनेस में आए, और तो मैं अभी आगे बताना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस में आगे क्या करना है। जैसे कि मैं अभी आप प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताऊंगा कि आगे कैसे हम ये बिजनेस में क्या करते हैं। फ्रेंड्स, ये बिजनेस एक क्वालिफिकेशन राउंड है और ये बिजनेस में क्वालिफाई होना पड़ता है, क्योंकि हम पार्टनर्स देख रहे हैं, हम मेंबर्स नहीं देख रहे हैं, हम पार्टनर्स देख रहे हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारे साथ वो आए, खुद के भी सपने पूरे करें और लोगों के भी सपने पूरे करें। तो जब पार्टनर्स की बात आती है दोस्तों, किसी भी बिजनेस में अगर पार्टनरशिप की बात आती है तो सबसे पहला पॉइंट होता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि अगर लंबा रिलेशनशिप रखना है तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत ही जरूरी है। एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी हस्बैंड वाइफ में जिस तरह से होता है, माँ बाप में और बच्चों में जिस तरह से होता है, उस तरह से हमें अपने मेंटर्स के साथ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी रखना है। साथ ही हम जिन्हें भी अपने बिजनेस में लेना चाहते हैं उनके साथ भी एक अच्छी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, एजुकेशन के मामले में हर बिजनेस में एजुकेशन होता है, हमारे बिजनेस में भी एजुकेशन है, और इस एजुकेशन के माध्यम से हम आपको फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। हम हमेशा आपको फैक्ट्स के बारे में ही बताएंगे, लेकिन बाहर की दुनिया में आपको ओपिनियंस मिलेंगे, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको फैक्ट्स पे जाना है कि ओपिनियन पे जाना है। क्योंकि जब हम भी बिजनेस में आए थे, हमें हमारे बाहर के बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव ने बहुत अच्छी अच्छी ओपिनियंस दी थी, अगर मैं उनके ओपिनियंस सुना होता तो आज मैं इस बिजनेस में नहीं होता। मुझे मेरे ऊपर भरोसा था, मुझे हमारे जो अभी मैंने अपने मेंटर्स का नाम लिया उनके ऊपर भरोसा था। तो इस तरह से आपको हम फैक्ट्स बताएंगे, आपको फैक्ट्स पे जाना होगा। बिल्ड अ केस फॉर योर सेल्फ, देखिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया मैंने खुद को क्वालिफाई किया था, तो हम इस बिजनेस में भी जिन लोगों को देख रहे हैं एज अ पार्टनरशिप, तो उनके कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर, इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर का मतलब होता है वो बंदा ईमानदार होना चाहिए, कैरेक्टर का साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे इस बिजनेस में हम लोग ये नहीं देखते कि वो किस फील्ड से आ रहे हैं, किस कहाँ से आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उन्हें जाना कहाँ है और वो कितने अकाउंटेबल हैं और कितना अच्छे कैरेक्टर रखते हैं। तो ईमानदारी से ये बिजनेस करने के लिए तैयार होना चाहिए। एम्बिशन लेवल उनका हाई होना चाहिए। एम्बिशन लेवल मतलब क्या होता है, जिनके ड्रीम्स बड़े हों, जैसे जिन्हें लगता है कि हम अपने सपने, जो भी हम सपने देख रहे हैं वो सपने हम अपने प्रेजेंट इनकम से नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए उनके ड्रीम्स बड़े होते हैं, उनका एम्बिशन लेवल बहुत हाई होता है, तो ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं। पीपल बिफोर प्रॉफिट्स, हमारे बाहर के ट्रेडिशनल बिजनेस में दोस्तों आप देखेंगे तो सबसे पहले प्रॉफिट देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा है, हम पीपल को पहले रखते हैं फ्रंट पे और प्रॉफिट बाद में देखते हैं। क्योंकि आप देखेंगे अभी लास्ट लॉकडाउन पीरियड में
या कई लोगों के जॉब चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनके जो बिजनेस थे, जो उनके ओनर्स थे, उन्होंने देखा इनसे फायदा नहीं हो रहा है तो उन्होंने उनको निकाल दिया, राइट। लेकिन हमारे बिजनेस में हम पहले पीपल को इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा, राइट। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि हमें एट द एंड एक डिसीजन लेना है इस बिजनेस में आने के लिए। तो जो लोग पहली बार ये बिजनेस देख रहे हैं और उन्होंने अगर ये पहली बार देख रहे हैं और वो डिसीजन लेने में अगर किसी और की सहायता लेते हैं, जैसे अगर स्टूडेंट है तो मम्मी पापा का के थ्रू वो डिसीजन लेते हैं, या हस्बैंड वाइफ साथ में डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं या फिर आपको डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है, तो नेक्स्ट जिन्होंने आपको बुलाया नेक्स्ट मीटिंग में आप उनके साथ ये प्रेजेंटेशन देखिए, राइट। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। नाउ मैं अभी आगे बताना चाहूंगा कि दोस्तों जब हम यहाँ पे मैं वैल्यूज एंड ड्रीम्स की बात कर रहा हूँ, जब हम बचपन से बड़े होते हैं ना तो हमें सिखाया जाता है कि अपनी फैमिली के साथ रहिए, एक अच्छे इंसान बनिए, वेल बींग, फेथ रखिए, फ्रीडम फ्रॉम डेब्ट, कर्जे में मत उलझना, कर्जा मत लेना, प्रिंसिपल, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, ना ही आपको किसी को दुख देना है। ये सारा प्रिंसिपल्स हमें सिखाया जाता है। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि आप इस दुनिया से जाना तो एक लेगेसी छोड़ के जाना बच्चों के लिए, या अपने पीछे कुछ ऐसे नाम करके जाना कि लोग आपका नाम लें, राइट। स्पिरिचुअल रहना है, दान धर्म पुण्य, ये सब हमें बचपन से सिखाया जाता है, ये से संस्कार कहते हैं। ये सारे संस्कार हमें अपने वैल्यूज हमारे में डाला जाता है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, इनकम करने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे ड्रीम्स जागने लगते हैं। जैसे जैसे हम समाज में आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारा खुद का घर होना चाहिए, हमारी कार होनी चाहिए। फिर जब हम बहुत बिजी शेड्यूल से गुजरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वेकेशन भी होना चाहिए लाइफ में, हाँ, हर साल हम कहीं घूमने चले जाएं। चिल्ड्रेन बच्चे हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके हम परेशान रहते हैं, कि बच्चों के फ्यूचर के लिए हमेशा प्लानिंग करते हैं, राइट। एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, सेविंग्स रखना चाहते हैं, अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं। जो भी लोग आते हैं चाहते हैं, वो उन्हें ऐसा लगता है 25 साल में अगर मैं जॉब पे आया हूं तो मैं 40 साल तक ही काम करूंगा, बाकी लाइफ एंजॉय करूंगा। तो जो ये ड्रीम्स का कॉलम राइट साइड में है दोस्तों, ये ड्रीम्स को फुलफिल करने के चक्कर में हम सभी लोग लोन में उलझते चले जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज हमारे अंदर भरी गई थी, वो सारे वैल्यूज से हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, मैंने जितने भी लोगों का नाम लिया, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल है इस बिजनेस में, हमारे यहाँ से जितने भी हमारे अपर मेंटर्स हैं, सभी लोगों ने सारे सपने पूरे किए हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर वैल्यूज। तो उन्होंने वैल्यूज को भी अपने मेंटेन रखा है और अपने ड्रीम्स भी फुलफिल कर रहे हैं और दुनिया की सारी सहूलतें इंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे भी ड्रीम्स पूरे होने चाहिए और हमारे वैल्यूज से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, हम अपने वैल्यूज को भी मेंटेन रखेंगे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें बिजनेस में आने का एक रीजन और भी है। जैसे यहाँ पे देखिए, जिन लोगों को ये बिजनेस में इन्वाइट किया गया है फर्स्ट या सेकेंड टाइम, उन्हें एक बुक दी गई होगी, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी जो बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है और वो बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने बहुत ही रिसर्च करके एक बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया था ESBI क्वाड्रेंट्स, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स ESBI क्वाड्रेंट के बारे में उन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में जो अच्छी तरह से ईमानदारी से इनकम करने के जो तरीके हैं, वो ये चार क्वाड्रेंट से ही कमाया जा सकता है। जैसे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, ई मतलब इम्प्लॉयज, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, बी मतलब बिजनेस ओनर, आई मतलब इन्वेस्टर। तो उन्होंने बताया है कि जो लेफ्ट साइड के लोग ई और एस क्वाड्रेंट में होते हैं, ये लोगों की लिमिटेड इनकम होती है, बिकॉज ये 10 से 12 घंटा 15 घंटा ही काम करते हैं, इसलिए इनकम लिमिटेड होती है। और इनके इनकम लिमिटेड होने की वजह से लाइफ हमेशा कॉम्प्रोमाइज वाली जीते हैं, राइट। लेकिन उन्होंने बताया बी क्वाड्रेंट जो होता है, बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट में अगर आप आ जाते हो किसी भी तरह से, तो आप लाइफ ऑफ चॉइस जिएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ई एंड एस क्वाड्रेंट के लोग जितना 3 से 4 साल में इनकम करते हैं ना, बी क्वाड्रेंट का वो एक दिन का इनकम होता है। मैं आपको मिनिमम एक दिन की इनकम होती है। और बहुत सारे भी बिजनेस क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्रियल एज में क्या होता था, इंडस्ट्रियल एज में यानी आज के पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयज में लोगों को इन्वेस्ट करना होता था। कोई भी बिजनेस डालने के लिए उन्हें
लोन लेके रिस्क उठा के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डालते थे, फिर वहां पे एम्प्लॉय रखते थे और जो काम में वो महारत हासिल करते किए होते थे या जो काम उन्हें करवाना होता था वो अपने एम्प्लॉय से वो काम करवाते थे। जिस दिन उनके बिजनेस में या उनके फैक्ट्री में 500 प्लस एम्प्लॉयज हो जाते थे उस दिन से वो बिजनेस ओनर कैटेगरी में आ जाते थे, राइट। ये इंडस्ट्रियल एज की बात है। एग्जाम्पल देता हूँ, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास अगर 1000 एम्प्लॉय है, पर डे वो अगर 10 आवर्स काम कर रहे हैं तो आप देखोगे पर डे का उनका 10,000 आवर्स का काम हो रहा है। ई और एस में आप देखोगे ना, पर डे हम 10 घंटे काम करते हैं, 30 दिन में 300 घंटे काम करते हैं, एक साल में 3,500 एवरेज काम करते हैं, 3 साल में आप लगभग 10,000 घंटे काम करते हो। तो वो 3 साल का एक छोटा बिजनेस ओनर जो होता है जिसके अंडर में 1000 पीपल भी हैं, उनका एक दिन का इनकम है जो हम 3 साल में करते हैं, राइट। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी जी ने क्या बताया, इन्फॉर्मेशन एज में क्या होता है, आज का जो एज है इन्फॉर्मेशन एज, राइट, इसमें बहुत ही छोटे लिटिल ओवरहेड से आप बी क्वाड्रेंट में आ सकते हो। कैसे? इसमें हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस ओनर्स का एक टीम बना रहे हैं और वो बिजनेस ओनर्स वो होंगे जो हमारे इस बिजनेस में आएंगे, हमारे जो पार्टनर्स बनेंगे। तो जब हमारे ऐसे पार्टनर्स बनाते बनाते जैसे हमारे टीम में 500 प्लस बिजनेस ओनर की एक टीम बन जाएगी तो आप भी बी क्वाड्रेंट में आ जाते हो, राइट। तो यहाँ पे जो लोग बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं, जैसे हमने स्लाइड देखा था तो हमें ऐसा लगा था बी क्वाड्रेंट में ही मजा है, बिकॉज बी क्वाड्रेंट में आप टाइम मनी सिक्योरिटी हर चीज से आप फ्री हो जाते हो, आपको आपको कोई टेंशन नहीं रहती, फाइनेंशियल फ्रीडम बी क्वाड्रेंट में है, ई और एस में नहीं, राइट। तो इन्फॉर्मेशन एज में आके आप बहुत ही कम लागत से, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आप बी क्वाड्रेंट में आ सकते हो। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल एज में क्या होता है। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल एज का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे इस बिजनेस में प्रेजेंट है, जो है ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, वो सारे लोग को छोड़ के आज जो लोग भी ये बिजनेस में नहीं है या इंडस्ट्री, तो वो कैसे अपने अपने आप को कैसे देखिए, उनका इनकम कहाँ जाता है। बीच में आप हो, आप अपना टाइम डालते हो, आप अपना टाइम डालते हैं अपने जॉब में, और टाइम डालने के बाद जॉब में जाके 8-10 घंटे आप इन्वेस्ट करते हो और वहां से आपको मनी मिलता है। जब वो मनी मिलता है तो उसको आप लेके जाते हैं किसी के दुकान में जहां से आप सामान खरीदते हो, क्योंकि हमें रोज सामान लगने वाले हैं, तो वहां से हम प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो हमने क्या किया, राइट साइड में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, पैसे कमाए, और लेफ्ट साइड में हम पैसे जाके दे दिए किसी कंपनी को। तो यहाँ आप देखोगे कि आप राइट साइड में अपने ओनर, अपने बिजनेस ओनर्स को या आप अपने मालिक को अमीर बना रहे हो, और लेफ्ट साइड में आप दुकान वाले को अमीर बना रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल एज में होता है। बट इन्फॉर्मेशन एज में मैं आपको बताऊं क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे आपको इन्फॉर्मेशन एज में क्या होता है। इन्फॉर्मेशन एज में हम बीच में हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें सिखाया जाता है कि आप अपना थोड़ा थोड़ा टाइम डाल करके आप अपना एक नेटवर्क तैयार करिए। जब आप ये नेटवर्क तैयार करते हो, वहां से जो पैसे आएंगे वो आपके एसेट बेस्ड इनकम होगी, बिकॉज हम एसेट बेस्ड इनकम वाले बिजनेस में हैं। तो हम यहाँ से नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क के थ्रू हम धीरे धीरे, जो नेटवर्क हमारा बनेगा उससे जो पैसे आते हैं, तो हम आपको यहाँ पे अपनी एक खुद की कंपनी से आपको जोड़ते हैं जिसके आप खुद के मालिक होते हो, कंपनी के आप पार्टनर होते हो। तो जो भी हमें सामान चाहिए हम अपने कंपनी से लेते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपना खुद का एसेट बना रहे हैं नेटवर्क के थ्रू, और हम अपना ही बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं अपने कंपनी से प्रोडक्ट लेके। इसमें एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आप अपने कस्टमर्स भी बना सकते हैं और उन्हें भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या होता है, आज मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से लोग पैसे बना रहे हैं आज इन्फॉर्मेशन एज में। देखिए, जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो उबर, उबर है ना, उबर यू लिखा हुआ है, राइट। उबर ने एक प्लेटफॉर्म यूज किया और उस प्लेटफॉर्म में उन्होंने बिजनेस कार्स का किया। हाँ, जो कार हम उबर से जो कार हायर करते हैं, उन्होंने क्या बोला मालिकों को, जिनके पास कार पड़ी है, जिनकी कार घर में पड़ी है, वो उनके लिए लायबिलिटीज है क्योंकि उसका मेंटेनेंस आ रहा है, उसका ईएमआई आ रहा है या उसके खर्चे हैं। तो उस कार को अगर इन्वेस्ट करके, उस कार के थ्रू अगर पैसा कमाना चाहे, तो ऊबर ने क्या अपॉर्चुनिटी दी लोगों को कि आप हमारी अपनी कार हमारे प्लेटफॉर्म से जोड़िए, फिर हम आपको लीड देंगे और जो भी इनकम आपकी आएगी उसका कुछ परसेंटेज वो ऊबर के मालिक को देंगे और बाकी मैक्सिमम प्रॉफिट वो ऊबर कार का मालिक रखेगा। आज उदाहरण के लिए अगर 1,000 ऊबर भी होंगे पूरे मार्केट में, हाँ, तो पर उबर से अगर उन्हें 100 रुपीज भी आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 रुपीज उनको जो आ रहा है वो उनकी एसेट बेस्ड इनकम हुई, जबकि उबर के पास खुद की एक भी कार नहीं है, फ्रेंड्स, राइट। इसी तरह से जो नीचे है हमारा प्लेटफॉर्म,
जो हमने बताया हमारे प्लेटफॉर्म में आके आप कैसे बना सकते हैं। हम लोग हमेशा FMCG प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हम जब से पैदा हुए तब से यूज कर रहे हैं और जब हम हमारा अंत होगा तब तक हम FMCG प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं। तो FMCG प्रोडक्ट्स का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सवेरे से लेकर रात तक जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उसे कहते हैं FMCG प्रोडक्ट्स। तो हम हमारे प्लेटफॉर्म से आपको जोड़ेंगे, तो जो भी आपको प्रोडक्ट्स चाहिए वो आप हमारी कंपनी से लेंगे और हमारे प्लेटफॉर्म में आप एक नेटवर्क बनाएंगे और वो नेटवर्क में जितने लोग आएंगे वो भी हमारी कंपनी से सामान लेंगे और जो टर्नओवर होगा वहां से आपको एक एसेट बेस्ड इनकम आएगी, राइट। तो होप मुझे इस स्लाइड से आपको ये समझ में आया होगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को भी यूज करके एक अपना एसेट बेस्ड इनकम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं बिजनेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बारे में। BWW हमारा एक सिस्टम है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो कोई भी बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हो तो एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ हमारे ही बिजनेस में है। ये बिजनेस में हमें कोचिंग एंड मेंटरशिप मिलती है, मोबाइल एप्स के थ्रू, ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू हमें एजुकेशन मिलता है और बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हमें एजुकेशन मिलता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए नेशनल लेवल पे मीटिंग चल रही है, हम लोग आज मोबाइल एप्स के थ्रू जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं, राइट। तो इस तरह से ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो है वो मोर देन 40 कंट्रीज में बहुत सारे लोगों को इन्होंने मल्टा मिलियनर्स बनाया हुआ है और बहुत सारे लोगों के सपने पूरे किए हैं, राइट। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड से भी हमें एजुकेशन मिलता है, जुड़ना होगा। और मेंटरशिप आपको यहाँ पे फ्री में मिलती है, जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं वो आपको मेंटर्स करते हैं और कोच करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने जाऊंगा कुछ फैक्ट्स के बारे में, जो हमारी कंपनी के बारे में मैंने शुरू में ही बताया था कि हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो फैक्ट्स के बारे में है कि हमारी कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नंबर वन है, पूरे वर्ल्ड वाइड नंबर वन। 8.4 बिलियन डॉलर का इन्होंने 2019 में ग्लोबल सेल्स हुआ था इनका टर्नओवर, और अप्रोक्सीमेटली 61.3 बिलियन डॉलर इन्होंने बोनसेस और इंसेंटिव्स अभी तक पे किया है। फोर्ब्स मैगजीन में 32 रैंकिंग है, 1200 प्लस पैटेंट्स है फ्रेंड्स, और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 30 डेज, 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन और मनी 100% मनी बैक गारंटी के साथ हमारे सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये कुछ संक्षिप्त कंपनी के बारे में फैक्ट्स हैं और बहुत सारा जिन्होंने आपको बुलाया वो बाद में आपको बताएंगे, राइट। तो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊं कि हम जिस बिजनेस से जुड़ने जा रहे हैं उसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। हमारे जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं ये पूरे वर्ल्ड वाइड मोर देन 100 कंट्रीज में ये बिकते हैं, राइट। हमारे पास जो इंडिया में हमारे पास जो कैटेगरी है वो हेल्थ केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, कुकवेयर्स एंड एयर प्यूरिफायर्स भी है, राइट। तो जो भी हमारे घर में एक नीड होती है सुबह से लेकर शाम तक, ऐसे 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमें बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों ये बिजनेस ही क्यों, मतलब एमवे के थ्रू जो हमें बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, इसमें फ्रेंड्स देखिए, आज की डेट में कोई भी बिजनेसेस अगर करना है तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये है कि आपको मेक इन इंडिया होना चाहिए कंपनी आपकी यहाँ पे। तो हमारा मदुरई में इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 600 से 1000 करोड़ का इन्वेस्ट करके हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला हुआ है और यहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट को देखा जाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इस बिजनेस में आके हर बंदा 18 इयर्स एंड अप ये बिजनेस कर सकता है और डिजिटली इस बिजनेस में आप अपने टाइम को लेवरेजिंग कर सकते हैं, जैसा हमने पहले बी क्वाड्रेंट के लिए बताया था, राइट। तो ये इसके साथ हमें ये बिजनेस आगे बढ़ाना है। अभी हम अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे हमने बताया ना, सारे आजकल के बहुत सारे उबर जोमैटो फ्लिपकार्ट, ये सब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। उसी तरह जब हम अपने इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो कैसे आपको करना है, हमें ADS बनना है। ADS का मतलब होता है एमवे डायरेक्ट सेलर। जब आप ADS बनते हो तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आप कंपनी के साथ पार्टनरशिप होती है आपकी और राइट साइड में आपका ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया से आप जुड़ते हैं। तो ये कंपनी जो है वो ठीक कार की तरह, अगर आपके पास कोई ब्रांड कार है, ब्रांड न्यू कार है, कोई भी कार है, अगर उसमें फ्यूल ना डाले तो वो नहीं चलेगी। तो इसमें ये एमवे जो है हमारा एक कार है, बट इसका फ्यूल जो है ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप जुड़ते हैं, आप एक ADS बनते हैं। करना क्या है, नंबर वन शॉप, हमें आज तक जो सामान आप बाहर से खरीद रहे थे फ्रेंड्स, वहां से कुछ नहीं मेरा पूरे लाइफ में, लेकिन यहाँ पे आप शॉप करोगे
तो आपको पैसे मिलेंगे। तो शॉपिंग करना है हमारे कंपनी से, हमें अच्छे लगे तो हमें शेयर करना है लोगों के साथ, और साथ में हमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड से सीखते हुए ये बिजनेस को आगे बढ़ाना है, राइट। तो इस तरह से हमें ये प्लेटफॉर्म यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी इसमें कैसे एंगेजमेंट लेवल्स क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जिन लोगों का सेल्फ इमेज लो होता है इस बिजनेस में आने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका सेल्फ इमेज लो होता है उन्हें डर लगता है मैं कैसे करूंगा, तो एमवे दो तरह से लाइसेंस देती है। पहला लाइसेंस आपको नीचे आप देखेंगे कि आप पीसी बन सकते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर, यानी आप प्रोडक्ट के बिजनेस के कस्टमर, अपने जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ आप एक प्रेफर्ड कस्टमर का लाइसेंस लीजिए, आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, आपको अच्छा लगता है 30 डेज की मनी बैक गारंटी है, अच्छा लगता है तो आप उनको बोलिए मुझे एडीआर बनना है, एमवे डायरेक्ट रिटेलर। तो एमवे डायरेक्ट रिटेलर जब आप बनते हो तो उसके कुछ क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है उसे अटेंड करके आप एडीएस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये बिजनेस मैं करूंगा और मुझे बहुत भरोसा है, मैं खुद पे भरोसा है, जिन्होंने बुलाया उनके ऊपर भरोसा है, कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो उनको डायरेक्टली वो एडीआर का लाइसेंस ले सकते हैं और एडीआर में वो अपने टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करेंगे और उसके बाद वो एडीएस में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब आप पीसी बनते हो तो आपको डिस्काउंट रेट पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लॉयल्टी बोनस पॉइंट्स मिलती है, अच्छे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन आप बिजनेस नहीं बिल्ड कर सकते। लेकिन जब आप एडीएस बनते हो तो आप प्रोडक्ट भी यूज करते हो, आप डिस्काउंट भी पे भी प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको एक बड़ा बिजनेस, ह्यूज बिजनेस खड़ा करने का मौका भी मिलता है जिसमें आप अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हैं, और एडीएस बन के ही आप बी क्वाड्रेंट में भी आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बताऊं अर्निंग्स कैसे होती है, राइट। इस बिजनेस में आप देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे आप कंपनी के पार्टनर बनते हो तो कंपनी 60-40 का पार्टनरशिप आपके साथ रखती है, तो कंपनी को 40% चाहिए बिकॉज उसमें उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनका जो भी प्रॉफिट है, जो कुछ है कंपनी का, वो शेयर रखते हुए 60% हमें वो देती है। कैसे देती है? अप टू 10% आपको एज ए रिटेल मार्जिन मिलता है, अप टू 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, अप टू 10% आपको एज ए कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है, अप 3-21% एज अ प्रेफर्ड परफॉर्मेंस बोनसेस मिलते हैं आपको, 6% आपको लीडरशिप कमीशन, 2% इनहेंस सेल्स कमीशन एंड 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन मिलता है। जब आप इस सबको जोड़ोगे ना तो 60% होता है। और पैसे का जो स्लैब है किस तरह से देते हैं, हमारे ये वर्ल्ड वाइड हमारा बिजनेस फैला हुआ है जिसकी वजह से इनका पॉइंट वैल्यू पे बिजनेस काउंट होता है। अगर हमारे इंडिया में एक पॉइंट का 80 रुपए का एक पॉइंट होता है फ्रेंड्स, 1 PV इज इक्वल टू 80 रुपीज, राइट। अगर उसे हम टैक्स वगैरह इंक्लूड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज होता है। तो जो देखिए नीचे स्लैब में दिया हुआ है, टीम पॉइंट, बिजनेस वॉल्यूम, परफॉर्मेंस बोनसेस, जो परफॉर्मेंस बोनसेस है 3-21% जो राइट साइड में हमने बताया, वो परफॉर्मेंस बोनसेस कैसे मिलते हैं, जैसे जैसे आप बिजनेस में परफॉर्म करते जाते हो वैसे वैसे आपको बोनसेस मिलते हैं। जैसे आप 200 पॉइंट का बिजनेस करेंगे यानी 16,000 का प्रोडक्ट आप सेल करते हैं या आपके टीम में वो यूज होता है तो 3%, 600 पॉइंट पे 6%, 1200 पॉइंट्स पे 9% एंड इसी तरह से 2400, 4700 और 10,000 लास्ट में जो ग्रुप पीवी होता है, टीम पॉइंट्स होता है, तो हमें 21% का मैक्सिमम कमीशन लेवल मिलता है, राइट। तो राइट साइड में बिजनेस वॉल्यूम दिया है, आप पॉइंट में अगर 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट्स आपका बिजनेस वॉल्यूम में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको पैसे आएंगे, राइट। तो अगली स्लाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम ये बिजनेस में एसेट बिल्डिंग ब्लॉक हमें खुद भी बनना है और हम यही चीज डुप्लीकेट करेंगे तो क्या हो सकता है। एसेट बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कम से कम हमें 20,000 रुपए का बिजनेस मंथली करने के लिए आना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी वो सीख लेना है, कोई कंडीशन नहीं है। बट अगर आप एसेट बेस्ड इनकम चाहते हो तो पहले एसेट बिल्डिंग ब्लॉक बनना होगा। एसेट बिल्डिंग ब्लॉक मतलब हमें समझो एक दीवार खड़ी करनी है तो उसमें से एक ब्लॉक जो है वो एसेट बेस्ड ब्लॉक जो है 200 पॉइंट का बिजनेस करने के लिए सीखना है। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले आपको खुद का कस्टमर आपको बनना है, खुद का, ये सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स। लोग क्या करते हैं, बिजनेस में आते ही बेचना शुरू करते हैं। पहले आप खुद को बेचिए, कितना, 5,000 रुपीज का प्रोडक्ट खुद को बेचिए। आप सबसे पहले अपने कस्टमर खुद के हो, यानी मैं अगर बोलूं तो मैं अपना बिजनेस तो कर रहा हूं लेकिन अपने बिजनेस का सबसे पहला कस्टमर हम है। हम अपने आप को बेचते हैं, एवरी मंथ बेचते हैं, 7 तारीख के पहले जैसे हम बाहर से प्रोडक्ट लाते थे, अब हम अपने प्रोडक्ट्स खुद लेते हैं।
तो आप सबसे पहले अपने बेस्ट कस्टमर बनिए, तो उसको बोलते हैं पर्सनल वॉल्यूम, बिकॉज आपने पर्सनली वो यूज किया, खुद को बेचा, तो 50 पॉइंट का अगर आप पर्सनल वॉल्यूम करते हो यानी अप्रोक्सीमेटली 5,000 का सामान आपके ले लिया, और आप कुछ कस्टमर्स बनाइए और वो कस्टमर्स के थ्रू आप 150 पॉइंट्स यानी लगभग 15,000 का टर्नओवर करते हैं, वो कस्टमर्स कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, 3 कस्टमर है तो आपको 5,000 के 3 हो गए तो 15,000 हो गया, बट आप वो कितने भी कस्टमर बना के 150 पॉइंट्स करते हो तो दोनों का मिला के आपका 200 पॉइंट्स का बिजनेस होता है, लगभग 16,000 का बिजनेस वॉल्यूम होता है। आप यहाँ देखेंगे आप 3% कमीशन लेवल पे रहते हो, आपको वहां से 480 रुपीज मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट आपको 1600 मिलता है, और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव आपको 840 रुपीज मिलता है, और इस तरह से टोटल आप 2920 मंथली इनकम आपकी हो जाती है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आते ही आप डे वन से आप इनकम करने लगते हो। एक हमने क्या किया, जस्ट हमने एक परचेस पॉइंट चेंज किया और हम अपने घर के लिए प्रोडक्ट्स लाए, कुछ लोगों को अच्छा लगा तो बताया, एक 20,000 के टर्नओवर पे आपको 3,000 की मंथली इनकम हो गई। अगर सालाना देखेंगे तो ऑलमोस्ट 36,000 होती है, राइट? तो आप बिजनेस बिल्डिंग एसेट बिल्डिंग ब्लॉक बनना है हमें। अब हम एसेट बिल्डिंग ब्लॉक बनने का मतलब आप एक बिजनेस कर रहे हैं 20,000 का, तो हमें आगे क्या करना है, आगे देखिए, हम जैसे क्वालिफाई हुए अपने आप को 20,000 रुपीज का बिजनेस करना सीख गए, तो हम कुछ पार्टनर्स बनाना शुरू करेंगे। ये पार्टनर्स बनाने के लिए जो P1 P2 P3 दिखा है, ये फॉर एग्जाम्पल 12 पार्टनर्स है आपके पास। अगर हमने अच्छी तरह से समझा के कुछ लोगों को क्वालिफाई करके अपने लिए बिजनेस में लिया, अपने पार्टनर्स बनाए, और आने वाले हर महीने में अगर आपने एक पार्टनर भी बनाया तो 12 महीने में 12 पार्टनर बनेंगे, तो 12 महीने यानी एक साल के बाद आपका देखेंगे कि आपके पास 13 लोग हो गए, 13 लोग मिलके 200 पॉइंट का बिजनेस कर रहे हैं, तो लगभग 2600 पॉइंट का बिजनेस हुआ। आपका टर्नओवर जो होता है 2,08,000 का होता है, उस वक्त आप 12% लेवल पे हो तो आपका जो कमीशन बनेगा वो 24,960 रुपीज का है। आपका जो पार्टनर्स जो नीचे हैं, जो P1 P2 P3, उनको भी पैसे जाएंगे बिकॉज उन्होंने भी मेहनत की है, तो उसमें 5,760 माइनस होके आपको 19,200 मिलेंगे। बाद में कोर प्लस इंसेंटिव में आप BFI क्वालिफाई करते हो, वहां से आपको 2,880 रुपए, ट्रेड डिस्काउंट 1,600 रुपए, और इस तरह से आपका मंथली इनकम बनेगा 23,680 रुपए। दोस्तों, 23,680 रुपए आज मुंबई जैसे शहर में अगर आप एक छोटा 1 BHK भी लेते हो तो लगभग उतना रेंट आता है। तो आप बताएं, एक फ्लैट लेना ज्यादा आसान है कि आपको 10, 15, 12 एक अच्छे पार्टनर्स बिजनेस में लेना ज्यादा आसान है? मुझे ये ज्यादा आसान लगा फ्रेंड्स। और इसमें आप अगर 12-15 पार्टनर आप अच्छी तरह से बनाते हो तो आपकी मंथली इनकम लगभग 23,000-24,000 रुपए हो जाती है। अब ये इनकम बढ़ेगी तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स? अभी मैं 21% बोनस की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप अपने टाइम को लिवरेज कर रहे हो इसलिए इनकम बन रही है। जो आपने पार्टनर्स बनाए थे P1, P2, P3, फॉर एग्जाम्पल P11 क्या, देखो 3 दिखा हुआ है, यानी आपने 13-12 पार्टनर बनाए और आप खुद अकेले 13, और ऐसे लोगों ने 3-3 लोगों को भी बिजनेस में लाए नेक्स्ट आने वाले 1.5 साल में तकरीबन, तो आपके टीम में लगभग 50 के करीब लोग हो जाते हैं। 50 लोग 200 पॉइंट का बिजनेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सभी लोग एसेट बिल्डिंग ब्लॉक बने हुए हैं। तो 50 लोग 200 पॉइंट का बिजनेस करेंगे तो आप देखोगे 10,000 पॉइंट होता है, और 10,000 पॉइंट में आपका 8 लाख का टर्नओवर होता है। आप मैक्सिमम कमीशन लेवल पे जा रहे हो, 1,68,000 इनकम हुई, कमीशन हुआ, जिसमें से अपने पार्टनर्स को 6% चला जाएगा, 46,080 रुपीज माइनस होके 1,21,920 रुपए हमें मिलता है। उसमें कोर प्लस इंसेंटिव ऐड कर देंगे 24,384 रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट 3,200 रुपीज, तो आपकी मंथली इनकम हो जाती है 1,49,504 रुपीज, आई मीन 1.5 लाख रुपया। फ्रेंड्स, अगर आपको इस बिजनेस में 50 लोग भी आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल, डिपेंड्स कौन कितना मेहनत करता है, अगर अच्छे पार्टनर्स मिल गए एसेट बिल्डिंग ब्लॉक वाले, तो आपकी मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए हो जाएगी, राइट? तो ये 1.5 लाख रुपए जो आ रहे हैं आपके, आपका एफर्ट कितना है, सिर्फ 200 पॉइंट। आप बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ मंथली 20,000 का, और आपकी मंथली इनकम कितनी हो रही है, 1.5 लाख रुपए। फ्रेंड्स, ऐसा बिजनेस आपने देखा है मार्केट में कहीं पे भी, कि खुद हम 20,000 का टर्नओवर कर रहे हैं, लोगों को वही सिखा रहे हैं, वो भी 20,000 का टर्नओवर कर रहे हैं, और आपकी इनकम हो रही है 1.5 लाख के करीब। तो इस लेवल पे आपको जो पहली बार इसे अचीव करते हैं उसे सिल्वर कहते हैं, जो इसे 3 महीने साल में अचीव करते हैं उन्हें गोल्ड प्रोड्यूसर बोलते हैं, और जो 6 महीने अचीव करते हैं इस लेवल को मेंटेन करते हैं उसे प्लैटिनम बोलते हैं। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक बड़ा पिक्चर कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में हम आते हैं ना तो हम सभी लोग डायमंड का बनने का एक सपना लेके आते हैं। डायमंड एक ऐसा लेवल है फ्रेंड्स, उन्हें पूरे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलता है।
सभी लोग डायमंड, एक डायमंड बनने का मतलब वो कई लोगों की लाइफ चेंज करते हैं, कई लोगों के लाइफ में वैल्यूज डालते हैं। डायमंड बनने से आप मंथली इनकम अपनी जो होती है वो 5 लाख 6 लाख होती है, लेकिन आप 6 लोगों की लाइफ में आप कलरफुल लाइफ बना देते हैं। 6 लोग आपके नीचे प्लैटिनम होते हैं डिफरेंट लेग्स में, जो मंथली 1.5 लाख की इनकम करते हैं। तो वो हर जगह से 6% का जो लीडरशिप बोनस है वो मिलता है, और इस तरह से वो मिला के आपको 5 लाख की इनकम हो जाती है, राइट। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो पोटेंशियल इनकम है इस बिजनेस का, जो पोटेंशियल इनकम है ये कंपनी ने खुद बताया हुआ है कि अगर आप इस बिजनेस में फाउंडर्स प्लैटिनम भी गए, यानी आप इस बिजनेस में फाउंडर प्लैटिनम की इनकम यानी 10 लाख का टर्नओवर करते हो अपने टीम के थ्रू, तो आपकी मंथली इनकम ऑन एन एवरेज 76,000 रुपीज और ईयरली लगभग 9-9.5 लाख रुपए की इनकम होती है। अगर आप फाउंडर्स एमरल्ड जाते हो इस बिजनेस में तो आपकी मंथली इनकम लगभग 2.5 लाख से 3 लाख होती है और आपका ईयरली इनकम 30-40 लाख के बीच में होती है। मैं एक एवरेज पकड़ के बोल रहा हूँ। और फाउंडर्स डायमंड आप जाते हैं तो मंथली इनकम देखिए लगभग 6-7 लाख रुपए और सालाना आप इसमें कमाते हैं लगभग 80 लाख से 90 लाख 1 करोड़ रुपीज, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर, राइट। ये सारी इनकम में कहीं पे भी देखिए रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव और अदर सेल्स इंसेंटिव को नहीं जोड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सबके मन में एक ये रहता है कि जो पहले आए इस बिजनेस में वो सबसे पहले वो लकी थे, उनका बिजनेस हो गया, लेकिन जो आज आएंगे उनका नहीं है, वो नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपके यहाँ से ही शुरू होता है। आप इस बिजनेस की शुरुआत आपसे शुरू होती है। तो जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ दे हुआ है, ए बंदा जो है वो फाउंडर प्लैटिनम है, वो 2 टीम बनाया उन्होंने, बी एंड सी को स्पॉन्सर किया, तो वो मंथली इनकम 9 लाख रुपए साल की 9 लाख रुपए कमा रहे हैं। लेकिन बी बंदा जो आया ना वो थोड़ा स्मार्ट था, उसके ड्रीम्स बड़े थे, उसका एम्बिशन लेवल हाई था, तो उसने क्या किया 3 लोगों को स्पॉन्सर किया, यानी 3 लोगों को पार्टनर बनाया, डी ई एन एफ। तो उनके 3 पार्टनर्स प्लैटिनम बने, इसलिए वो एमरल्ड्स हुए और फाउंडर एमरल्ड्स में उनकी इनकम हो गई 32 लाख रुपए ईयरली। अभी जो डी बंदा है वो सबसे शार्प एंड एम्बिशियस था, जो सबसे पीछे आया, राइट। तो वो उन्होंने क्या किया 6 पार्टनर्स बना लिए, बिजनेस के पोटेंशियल को समझा उन्होंने, अच्छे अच्छे पार्टनर्स को उन्होंने क्वालिफाई किया और सक्सेसफुल करने के बाद वो डायमंड हो गए, फाउंडर्स डायमंड, और उनकी ईयरली इनकम हो गई 84 लाख रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 85 लाख रुपीज ईयरली। तो आप यहाँ देखेंगे ए पहले आए थे लेकिन वो 9 लाख कमा रहे हैं, लेकिन डी सबसे लास्ट में आए थे 85 लाख कमा रहे हैं। तो कौन पहले आया कौन बाद में आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन ज्यादा एम्बिशियस है, किसके सपने बहुत है, कौन ज्यादा जल्दी आगे जाना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये आपकी इनकम, राइट। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, जब आप सक्सेसफुल होते हो तो कंपनी आपको बिजनेस लीडरशिप सेमिनार के थ्रू आपको वर्ल्ड टूर भी देती है, 6-7 दिन का आपको टूर मिलता है, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस होते हैं, पूरे वर्ल्ड में आपको कंपनी घुमाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं बताऊं, हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, उन सभी लोगों ने कई सारी कंट्रीज में, कितने लोगों के तो डबल पासपोर्ट भी फुल हो गए, राइट। तो इस तरह से आप जिन लोगों को वर्ल्ड टूर करने का बड़ा शौक है फ्रेंड्स, स्पेशली यंगस्टर्स जो आज की डेट में बहुत घूमना फिरना शौकीन है, वो घूमना फिरने का बहुत शौक है उन्हें, दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप इस बिजनेस में एनी हाउ क्वालिफाई हो जाइए और इस बिजनेस को आप अच्छी तरह से दिल से 2-5 साल करिए और सारे वर्ल्ड वाइड आप एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फाइनेंशियली फ्री रहेंगे, राइट। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों आपको, नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ एक 24 आवर्स के अंदर एक मीटिंग सेट करिए, उसे फॉलो अप मीटिंग कहते हैं। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे क्योंकि पहली बार हमें भी ये बिजनेस नहीं समझा था, तो उस डाउट को लिखिए और उनके साथ बैठिए। मैंने आपको बताया था, मुझे सेकंड टाइम जब ये बिजनेस मिला था तो फॉलो अप नहीं हुआ था मेरा, मैं पैसे लेके तैयार था लेकिन सामने वाला आया नहीं। इसी तरह से आप फॉलो अप मत मिस करना, वो जिन्होंने आपको बुलाया वो रीड एंड लिसन करने के लिए आप कुछ मटेरियल्स देंगे, उस मटेरियल्स के थ्रू जाइएगा, रीड करिए, लिसन करिए और 1-2 बार ये बिजनेस प्रेजेंटेशन देखिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज की अलग अलग मीटिंग होती है वो दिखाएंगे, और उसके बाद आप अपने वैल्यूज एंड गोल्स को आइडेंटिफाई करिए कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप अपना कंटिन्यू बिल्डिंग अ केस फॉर योर सेल्फ, ये ठीक उसी तरह है दोस्तों जैसे हम कहीं पे भी नाम लिखवाते हैं डिग्री के लिए, कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में जाने के लिए जब हम डिग्री लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वहां हमारा डिसीजन होता है कि हमें इसमें से पास होना है कि नहीं पास होना है।
आपको जिस डिग्री के लिए आप एडमिशन ले रहे हो वो डिग्री आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप हर साल क्वालिफाई करते हुए 3 साल 5 साल की कोर्स कंप्लीट करके आप अपने आप को डिग्री ले लेते हो, राइट। उसी तरह से इस बिजनेस में पग पग पे आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, ये लेवल हो गया मुझे, अब नेक्स्ट लेवल, ये लेवल, वो लेवल, करते करते आप एक एक स्टेप आप सक्सेस होते जाएंगे और उसके बाद में आप अपने डायमंडशिप लेवल तक पहुंचेंगे। तो वो आपको डिसीजन लेना है कि आपका केस आपको ही बनाना है, लोग आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे मैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ फ्रेंड्स, और मैं ये बिजनेस में बहुत ही हम एक्साइटेड हैं। मैं चाहूंगा एक मिनट मेरी वाइफ भी बात करें इसमें, ये मुझे बहुत सपोर्ट करती है मेरी वाइफ बिंदु, और ये बिजनेस में इनकी वजह से ही कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये बिना अनकंडीशनल सपोर्ट करती है, इनकी वजह से हम बिजनेस कर रहे हैं। ओवर टू माई वाइफ बिंदु यादव। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बिंदु है, मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं, मेरे मिस्टर ये बिजनेस बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, और हमारे मेंटर अरुण मिश्रा, पुष्पा भाभी और हमारे डायमंड एमपी सिंह, विनीता भाभी। नए लोग को यही बोलूंगी कि बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसमें करना क्या है, 100% प्रोडक्ट यूज करो और लोगों को बताओ। पहले तो हम लोग जब स्टार्ट किए तो बहुत टफ था, लेकिन अभी ये बिजनेस बहुत इजी हो गया। घर बैठे अपना ऑनलाइन देखो मीटिंग हो रहा है और अपना ट्रेनिंग हो रहा है, और इसमें अपना गोल सेट करिए, अपना ड्रीम्स लगाइए और 100% प्रोडक्ट यूज करिए, लोगों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। वेल डन। तो इसके साथ ही हम अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करते हैं। बैक टू होस्ट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है ना, कि हमें ऐसा लग रहा है कि भाई आज सबकी दिमाग की बत्ती खुल गई, राइट, सबकी लाइट ऑन हो गई है। वंस अगेन ये हमारे अहमदाबाद की ब्रिट ओपन की शान है कि इतने बड़े डॉक्टर्स आज हमें ये एक वर्ल्ड का नंबर वन बिजनेस जो प्रेजेंट हमारे सामने किया, तो डॉक्टर साहब के लिए एक बार वंस अगेन जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। रियली ग्रेट। दोस्तों, जो प्लान आपने देखा उस प्लान में जो इनकम बताई, तो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जो वो इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे हम बारी बारी वो सभी लीडर्स को रेकॉग्नाइज करेंगे, राइट। तो यस, मैं विहांग से रिक्वेस्ट, यस दोस्तों, यहाँ पे जो भी ये बिजनेस में आता है ना, तो यहाँ पे जैसे आप एंटर हुए ना, तो आपको इनकम स्टार्ट हो जाती है, जिसे CSI बोला जाता है। तो यही है दुनिया का एक बढ़िया बिजनेस है कि जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बंदा आने के बाद तुरंत ही मिनिमम 15% इनकम अर्न करता है, तो सभी CSI अर्नर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। नेक्स्ट लेवल जो है जिसको 3% लेवल बोला जाता है, पॉइंट्स मिलते हैं हमें यहाँ पे जो भी बाय करते हैं, तो 200 पॉइंट्स का बिजनेस होता है तो उसे 3% लेवल बोलते हैं। ऑल 3% लीडर्स के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। नेक्स्ट जो लेवल है जिसे 6% लेवल बोला जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है कि जो 6% लेवल पे इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए क्लैपिंग हो जाए। यस, नेक्स्ट 9% लेवल, राइट, 1200 पॉइंट्स का बिजनेस, तो जो भी लीडर्स 9% लेवल पे पहुंच चुके हैं तो उन सबके लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। ऑल 9% को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेवल जो 12% लेवल है दोस्तों, 2400 पॉइंट्स का बिजनेस, बहुत अच्छा इनकम आता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि भाई मुंबई में एक फ्लैट का किराया मिल जाता है, तो वो ये लेवल है, तो उस लेवल के जितने भी यहाँ बहुत सारे लीडर है उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। यस, या ग्रेट, कंपनी एमवे आज हमें एक्स्ट्रा इनकम भी दे रही है। बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा काम करते हो तो बहुत कुछ मिलता है, उसी तरह ये BFI है, BFI जो 9% से 15% के लेवल पे होते थे, उनके बीच सबको उनको मिलती है, तो और BFI अर्नर के लिए भी क्लैपिंग हो जाए जबरदस्त दोस्तों। या ग्रेट, स्टाफ 15% लेवल, 4000 पॉइंट्स का बिजनेस, जो प्रोफेसर लोग हमारे जैसे जो जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनका जो स्टार्टिंग सैलरी बनता है ना वो ये लेवल पे मिलता है। मीन्स कि आज कोई भी यंगस्टर यहाँ ये इस लेवल पे आके बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, तो सभी स्टाफ 15 लेवल को हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं।
नेक्स्ट 18% लेवल 7000 पॉइंट्स का बिजनेस बनता है, बहुत बढ़िया इनकम आती है इस लेवल पे। तो ऑल 18% लीडर्स के लिए भी हम जबरदस्त क्लैपिंग करते हैं दोस्तों। ग्रेट ग्रेट ऑल 18% या जैसे मैंने बताया BFI वैसे ही BPI और एक्स्ट्रा इनकम मिलती है 4000 पॉइंट्स के अप और कुछ स्ट्रक्चर के साथ अगर बिजनेस किया जाता है तो BBI अर्नर है लीडर्स, उनकी इनकम भी बहुत अच्छी इनकम हो, मोर देन 50,000 की इनकम अर्न करते हैं BBI अच्छे स्ट्रक्चर के साथ। तो सभी BBI लीडर्स के लिए जबरदस्त कैपिंग हो जाए। ग्रेट 21% 10,000 पॉइंट्स का बिजनेस एंड किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं, ऑल 21% के लिए जबरदस्त कैपिंग हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल 21%। ग्रेट सिल्वर जो एक ऐसा लेवल है कि ये बिजनेस में आने के बाद सभी का एक ड्रीम बनता है कि भाई मुझे सिल्वर जाना है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सिल्वर पिन पे लोग है, तो हम उनको यहाँ पे स्टेज पे मीन्स की ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो, तो मैं उनका नाम अनाउंस कर रहा हूँ और जितने भी सिल्वर है वो अपना हैंड वेव करेंगे। यस यहाँ पे हमारे साथ ग्रेट लीडर है PP पाटिल सर जो एडवोकेट है, या उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग, थैंक यू सर। और हमारे साथ है एक लेडी लीडर भी है सिल्वर लेवल पे, संगीता बुद्धदेव जो बड़ौदा से है, यस ग्रेट ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके नेक्स्ट जो लेवल है सिल्वर पिन को अगर साल में 3 महीने तक अगर सिल्वर 3 महीने तक रहते हैं तो उसको गोल्ड प्रोड्यूसर बोला जाता है, राइट तो यहाँ पे हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे गोल्ड प्रोड्यूसर भी अवेलेबल है, तो उनको भी मैं यहाँ पे बारी बारी नए अनाउंस करूंगा और वो अपने हैंड रेस करेंगे। यस गोल्ड प्रोड्यूसर है हमारे साथ अक्षय राजगुरु जी, यस उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए अक्षय जी। नेक्स्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है हमारे सुनील एंड टीना झवेरी, तो उनके लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। ओके कॉन्ग्रेचुलेट सर, थैंक यू। या नेक्स्ट लेवल इट्स कॉल्ड द प्लेटिनम, जहां पे कंपनी फॉरेन ट्रिप उनको देती है, बहुत सारा उनको पैसा भी मिलता है, साल का अच्छा इनकम रहता है, बोनसेस भी मिलता है, राइट उनकी बहुत बढ़िया टीम होती है। तो हमारे साथ यहाँ पे जितने भी प्लेटिनम है हम उनको यहाँ पे बुलाते हैं और वो उनको मैं बताऊंगा कि वो अपना नाम और प्रोफेशन बताएंगे बारी बारी। यस तो फर्स्ट मैं वेलकम करूंगा यस यहाँ पे है हमारे साथ उड़ीसा से है गौतम महापात्र जी। ओके ओके और नेक्स्ट जो प्लेटिनम जो आज के ग्रेट 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 स्पीकर है आज की हमारी शान है, तो उनके लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग, डॉक्टर रामचंद्र यादव जी। अभी हमें बाद में तो सर से बहुत कुछ आज सुनना है, उनका बहुत बेनिफिट हमें आज लेना है, राइट तो थैंक यू ऑल प्लेटिनम लीडर। नेक्स्ट जिनका 12 महीना सिल्वर पिन मेंटेन होता है उनको बोलते हैं फाउंडर्स प्लेटिनम, राइट तो यहाँ पे हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म में बहुत सारे फाउंडर्स प्लेटिनम है, तो उनको भी हम बारी बारी इस स्टेज पे बुलाएंगे और वो भी अपना नाम और प्रोफेशन बताएंगे। यस तो फर्स्ट फाउंडर्स प्लेटिनम हमारे साथ है सुनील एंड धर्मिशा सुरती फार्मासिस्ट अहमदाबाद से। ओके जबरदस्त क्लैपिंग हो गया। नेक्स्ट जो फाउंडर्स प्लेटिनम है नाम श्वेता पटेल, परिमल पटेल के साथ पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ और बड़ौदा से हूँ, थैंक यू। यस नेक्स्ट फाउंडर्स प्लेटिनम दिलीप नीला बेटा एडवोकेट फ्रॉम बड़ौदा। ओके ओके थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ एक्साइटेड फाल्गुनी पादरिया बाय प्रोफेशन फिटनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ौदा। एक्साइटेड संजय पादरिया जॉब कर रहा हूं एमएनसी में एज अ हेड सप्लाई चेन, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स मयूरिशा बिजनेस वुमन फ्रॉम बड़ौदा। यस
हेलो फ्रेंड्स, अर्चना पादरिया फ्रॉम बड़ौदा, बाय क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड, हेमंत पादरिया बिल्डर हूं, बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर अवनी पटेल, अहमदाबाद से हूं, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कुणाल पटेल सिविल इंजीनियर फ्रॉम अहमदाबाद, थैंक यू। ओके दोस्तों, हम दोनों भी यही लेवल पे है। माय सेल्फ जयेश पटेल असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जयश्री पटेल जॉब। या ओके, थैंक यू ऑल फाउंडर्स प्लेटिनम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए दोस्तों, राइट। सुरेशन पन्ना ठक्कर सर। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश ठक्कर है और मैं बिजनेसमैन हूं, अहमदाबाद से हूं और मेरी वाइफ पन्ना के साथ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, थैंक यू। या जबरदस्त, जोरदार जोरदार सुरेश जी के लिए क्लैपिंग। या ओके, नेक्स्ट हम रिकॉग्निशन पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद का जो भी लेवल है, जिसको एमरल्ड लेवल सॉरी सफायर लेवल है, तो अगर कोई सफायर लेवल पे है तो मैं विहान को बोलूंगा कि यस ओके, देन कंटिन्यू, उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। फाउंडर सफायर के लिए भी क्लैपिंग हो जाए दोस्तों, अगर कोई फाउंडर सफायर है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। तो नेक्स्ट जो लेवल है जिसे एमरल्ड लेवल बोला जाता है, वो स्ट्रक्चर के साथ बिजनेस होता है, उनकी टीम में 3 or more than 3 प्लेटिनम्स होते हैं। तो मैं जितने भी एमरल्ड लेवल है उनको यहाँ पे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ और बारी बारी विहान को बोलूंगा कि वो उनको स्पॉटलाइट करे, तो वो अपना नाम और प्रोफेशन बताएंगे। यस यस, तो दोस्तों मेरा नाम सुरेश जैन है, पेशे से इंजीनियर हूँ और उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ, और इस बिजनेस को हम कर सकते हैं तो आप सब कर सकते हैं, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनल है, बड़ौदा से हूँ, और जब ये बिजनेस में आई उससे पहले गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थी। ये बिजनेस की वजह से आज मैं फ्री हूँ और ये बिजनेस आज भी मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर पार्ट टाइम बेस पे बिल्ड कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू। और मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर, बड़ौदा से हूँ। बस बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था रामचंद्र यादव जी का, और ऐसे ही प्लान में हम देखा था और डिसीजन लिया था कि हम बिजनेस को करेंगे और बिट के साथ प्लग होके ये बिजनेस पार्ट टाइम बेस पे थोड़ा थोड़ा करके सीखते सीखते ये लेवल पर हम आ सकते हैं, तो आप जरूर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गो डायमंड। ओके ओके, जोरदार क्लैपिंग हो जाए सभी लीडर्स के लिए, जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। यस, यहाँ पे लाइट नहीं है इसकी वजह से शायद मेरी आवाज सुनाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल जयेश भाई, सुनाई दे रही है। जगजीत जी आलोक जी हैं और प्रवीणा जी है। जगजीत जी आप शुरू करें। थैंक यू द्रविया जी, थैंक यू। फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह और है। ये बिजनेस जब मैंने ज्वाइन किया था पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी में, मैं जॉब करता था एज रीजनल मैनेजर और एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। वहां से हम रिटायर हुए वे बैक इन 2004 बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। और मेरे वाइफ जगजीत। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम जगजीत कौर औलक है, आई एम अ बिजनेस वुमन एंड हम अहमदाबाद से हैं। थैंक यू वेरी मच, बैक टू वंडरफुल होस्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीणा शाह बिजनेस वुमन। ये बिजनेस का पोटेंशियल देखा तभी से ये बिजनेस कर रही हूँ और ये बिजनेस बिल्कुल पार्ट टाइम है। अगर आप एक राइट डिसीजन लेंगे तो ये बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, थैंक यू। ओके ओके, जोरदार जोरदार, सभी लीडर्स के लिए जबरदस्त मीटिंग हो गए दोस्तों। यस नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट मैं अभी कुछ एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। ओके कि नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली है उसके स्पीकर उनका अभी हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो वो स्पीकर के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। अभी जो हमने सुना जिनको आलोक जी और जगजीत कौर जी जो नेक्स्ट मीटिंग के स्पीकर है, ऑयल सेक्टर में उनका बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस मींस की वो
और रिटायरमेंट लेने के बाद वो पूरे फैमिली के साथ ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और वो बहुत सक्सेसफुल लेवल पे है। वो अपने लाइफ में भी पहले से और सफल थे और ये बिजनेस को पाने के बाद और उसमें कुछ और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, राइट। तो नेक्स्ट ट्यूजडे हम इनको सुनने वाले हैं, तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। ओके, नेक्स्ट जो लेवल है जिसको फाउंडर्स एक फाउंडर एमरल्ड अपना अरुण जी ने रिकॉग्नाइज करी, या अरुण पुष्पा मिश्रा। ओके, हाँ, अभी फाउंडर्स एमरल्ड के लिए बाकी है। नेक्स्ट जो भी लेवल है, जो फाउंडर्स एमरल्ड और हमारे साथ जो भी फाउंडर्स एमरल्ड है उनको अभी हम रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ एक सुपर डुपर एक्साइटेड लीडर है अरुण कुमार मिश्रा, तो मैं उनको वेलकम करूंगा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू जयेश भाई, थैंक यू। और मेरा नाम अरुण है, मैं और पुष्पा हम बम्बई से हैं। बेसिकली मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन, और आज के स्पीकर हमारे एकदम खास दोस्त डॉक्टर आरसी और बिंदु। आरसी के बारे में मैं बोलूँ, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर हमारे टीम में, और वो अपने पढ़ाई लिखाई में भी टॉपर रहे हैं, आकाशवाणी में गाना वाना गाया है, बहुत कुछ कलाकार आदमी है, और ये बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट जो लीडर्स है वो सुपर डुपर एक्साइटेड बड़ौदा से बिलोंग करते हैं, भद्रे सिंह गिरा शाह, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गिरा शाह बिजनेस वुमन। ये बिजनेस हम दोनों पार्ट टाइम हर रोज दिल से करते हैं, बिजनेस बहुत बढ़िया है, कम एंड जॉइन अस। ग्रेट, वाह। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम क्राउन भद्रेस है और मैं 30 साल से मेरा खुद का प्लाईवुड का बिजनेस है और ये बिजनेस हम दोनों पर्सनली साथ में बिल्ड करते हैं। रियली बिजनेस नहीं करना था, ऐसे ही ऑफलाइन मीटिंग अटेंड किया, ओपन मीटिंग, तब हमने डिसीजन लिया कि ये बिजनेस हमारे लिए है, क्योंकि एक ही ये बिजनेस है कि आपको सिक्योर इनकम जनरेट हो सकता है, ये भी एक फ्लेक्सी टाइम देके हमने डिसीजन लिया, कोच मेंटर को अपनाया, ब्रिज सिस्टम को अपनाया, प्रायोरिटी दिया, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी बिजनेस बिल्ड किया, तो हम आपके सामने लेवल पर है, आप भी आ सकते हैं, कम एंजॉय। थैंक यू। या थैंक यू। नेक्स्ट जो फाउंडर सेंट्रल लीडर्स है, जो वो मैथमेटिक्स में पीएचडी है, डॉक्टर गणेश एंड भाग्यवती पाटिल, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू। जयेश भाई भी मैथमेटिशियन है, मैं भी मैथमेटिशियन। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गणेश कुंडलिक राव पाटिल और एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसा जयेश जी ने बताया, मैथ्स में पीएचडी है, पर जीवन का गणित कुछ सुलझ नहीं रहा था, एंड गॉड हैज अ मास्टर प्लान फॉर मी। मैं सिंडैम कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर था और मंथली हस्बैंड था। बहुत सारे लोग आपको पता है अफगानिस्तान के कौन कौन से हस्बैंड बन गए अभी, तो ये बिजनेस मेरे लाइफ में थ्रू चेंजर आया। और मेरे जो मेंटर है डायमंड गोइंग ईडी से डबल मिस्टर किरण एंड स्नेह देसाई, और हमने जो कुछ भी नॉलेज लिया यहाँ ब्रिड सिस्टम से लिया, यहाँ जो लीडरशिप आप देख रहे हैं अरुण भाई जी है, उनका ईगल बनिए, लीडर बनिए, वो सीढ़ी सुन के हम आगे बढ़े जिंदगी में, और उनको देखते देखते लीड कर रहे हैं बिजनेस में। और आज के जो डॉक्टर साहब है, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया है, वो तो फिजियोथेरेपिस्ट है, बहुत सारे लोगों को चलने को सिखाते हैं, और अब उनका भी हम नॉलेज लेने वाले है। तो सिंपल बिजनेस है, इथिकल है, ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, जिनको रात को सुकून की नींद सोना है और अच्छी जिंदगी जीना है और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीना है, ये बिजनेस उनके लिए है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड हियर इज माय बेटर हाफ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम है भाग्यवती पटेल, हम नांदेड़ से है, दुनिया का बेस्ट बिजनेस है और हमारे बहुत बड़े बड़े सपने थे, इसके लिए बिजनेस स्टार्ट किया, इसी बिजनेस से हमारे सपने पूरे हो गए। अगर आप भी डिसीजन लेते तो आपके भी पूरे हो सकते। थैंक यू। नेक्स्ट फाउंडर सेंट्रल लीडर से जो अहमदाबाद से है, सुपर डुपर एक्साइटेड महेंद्र सिंह झाला, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह झाला है, मैं एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूं और अहमदाबाद से हूं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट फाउंडर सेंट्रल लीडर आर वो बहुत मींस के एकदम यंग लुक में है, उन्नी कृष्णा जी एंड सुनीता नायक। ये बिजनेस की जब शुरुआत की तभी इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी, पार्ट टाइम में ये बिजनेस किया था, और जैसे भाग्यवती जी ने बोला, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये बिजनेस उन लोगों के लिए जो एम्बिशियस
लोग हैं, तो मैं भी बहुत एम्बिशियस थी और ये बिजनेस हमने बहुत ही पैशनेटली बिल्ड किया, तो आज ये बिजनेस और ये सिस्टम के थ्रू मैं जॉब से फ्री हूँ और हम दोनों मिलके ये बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मुन्नी कृष्णन, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। थैंक यू डॉक्टर रामचंद्र जी, आपने टाइम निकाल के आए अहमदाबाद बिट में, हम सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया, आगे भी आपको सुनेंगे। हम लोग ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहले ऑफलाइन मीटिंग हॉल में जाके देख रहे थे, कभी बहुत विश्वास नहीं था ये बिजनेस किससे चलेंगे, पर पिछले 20 साल से चल रहा है एंड दुनिया में 60+ ईयर्स में चल रहा है, इसलिए आने वाला सालों तक ये चलते रहेंगे। अभी जितना भी नए लोग आए, आपको ये सोचना है, ये प्लेटफॉर्म में आप डॉक्टर को भी देखा, इंजीनियर को देखा, स्टूडेंट को देखा, गवर्नमेंट ऑफिसर, हर तरीके से लोग सक्सेसफुल होते हुए स्टेज पे देखा है। अभी आपको सोचना है कि आपको सक्सेस होना है कि नहीं जाना है। एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने का सब अभी का राइट टाइम है, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? कम एंड जॉइन अस, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट फाउंडर्स एमरल्ड लीडर्स है, वो रिटायर्ड स्टूडेंट्स है और हमें गाइड कर रहे हैं, योशी एंड नितेश पटेल, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। यस, थैंक यू जयेश भाई। दोस्तों, नाम है योशित पटेल और जब स्टूडेंट था तभी ये बिजनेस को मैंने शुरू किया था, राइट, और स्टडी के साथ साथ ये बिजनेस को पार्ट टाइम किया, फिर कभी जॉब वगैरह नहीं किया। बिजनेस को अभी मैं और हितेशा दोनों मिलके एज ए करियर बिल्ड कर रहे हैं और ये बिजनेस सब कोई कर सकता है दोस्तों, राइट, अगर सीखने के लिए रेडी है और काम करने के लिए रेडी है, राइट, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी 100% आप सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, नेक्स्ट जो लेवल है, जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि 5 लाख और मोर देन 5 लाख की इनकम, जिसे बोला जाता है डायमंड डायरेक्ट, राइट। तो यहाँ पे ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मैं विहान को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लीडर्स यहाँ पे है डायमंड लीडर्स, उनको हम रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, तो विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट हमारे जो यहाँ पे डायमंड लीडर्स है और जो अहमदाबाद की शान है, तो उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। हेल्प मी वेलकम डायमंड विपिन चंद्र पटेल, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। ग्रेट, गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज के अहमदाबाद ब्रीट ओपन के होस्ट, बहुत एक्सेलेंट होस्टिंग किया है, जैसे ग्रेट लीडर जयेश और जयश्री के लिए चहे दिल से क्लैप हो जाए फ्रेंड। और आज के हमारे स्पीकर, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन उन्होंने दिखाए, डॉक्टर रामचंद्र यादव जी और बिंदु यादव जी के लिए चहे दिल से क्लैप हो जाए, उन्होंने टाइम निकाला है और आज अहमदाबाद ब्रीट ओपन को बहुत कुछ दिया है फ्रेंड्स। अहमदाबाद ब्रीट ओपन को हर दम बेटर बनाने के लिए और हर नए डिस्ट्रीब्यूटर्स या गेस्ट को होप देने के लिए जो सभी ब्रीट लीडर्स आते हैं और इनकी वजह से ही ये ब्रीट ओपन हरदम बेटर हो रही है, तो ऑल ब्रीट लीडर्स के लिए मैं चाहे दिल से क्लैप चाहता हूं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरा नाम विपिन पटेल है, बाय क्वालिफिकेशन मैं सिविल इंजीनियर हूं, मेरी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पैशनेटली पूरे परिवार के साथ ये बिजनेस को हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज नए लोगों को एक सिंपल मैसेज देना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप आज जैसे फर्स्ट टाइम आए हो, कुछ साल पहले हम भी आपकी तरह ही फर्स्ट टाइम आए थे, पता नहीं था बिजनेस करेंगे चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन हमने क्या किया फ्रेंड्स, हम एवरी ट्यूजडे ऐसी मीटिंग में आते रहे और हर लीडर से कुछ ना कुछ सीखते रहे और जो ही ब्रीट वर्ल्ड वाइड के लीडर्स बताते थे वही हम करते रहे, तो आज हम बिजनेस में सक्सेस है। मैं आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप फर्स्ट टाइम आए हो, जिसके साथ आए उनके साथ बैठिए, दोबारा बिजनेस प्रेजेंटेशन को समझिए और एवरी ट्यूजडे ऐसे मीटिंग में आते रहिए आते रहिए आते रहिए आते रहिए, एक दिन आप भी स्टेज पे आपके आके आके कहानी सुनाने वाले। और आज हमें बिजनेस में सक्सेस है, उनका पूरा क्रेडिट जाते हैं हमारे अपलाइन मेंटर महेंद्र सिंह और अंजनाबा झाला को और ब्रीट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम को। एक सिंपल मैसेज देना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अभी आपने देखा कि एमवे ने काफी सारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के अनाउंसमेंट किए। आपको पता है 98 में जब एमवे बिजनेस इंडिया में लॉन्च हुआ था कुछ सही प्रोडक्ट से लॉन्च हुआ था, आज करीब करीब 160+ प्रोडक्ट है और आने वाले टाइम में काफी सारे प्रोडक्ट्स आने वाले। मैं बताऊं फ्रेंड्स, ये पार्ट टाइम इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और FMCG प्रोडक्ट्स का इतना बड़ा पावर है
या हर सिचुएशन में बिजनेस चलेगा फ्रेंड्स। आज आप आए हो, उनको दिल से समझिए और ये बिजनेस करने का डिसीजन लीजिए। अगर हम सक्सेस हो सकते तो आप भी हो सकते। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। ओके, तो अभी इसके आगे भी जो लेवल है वो हम सबके लिए वेट कर रहे हैं वहां पहुंचने के लिए। ओके, तो ऑल लीडर्स के लिए ये रिकॉग्नाइज्ड पार्ट में जितने भी लीडर्स थे उन सभी के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग।